23/12/2022 समझ लो एक दो महीने पहले मैंने ग्राम पंचायत और दिगर शासकीय कार्यालय के अंदर लिखित तकरार दिया था कि चांदूर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला बुल्ढाना में जो गायरान शेती है शासकीय जगह है उसके ऊपर सरकार ने शासन ने जो वृक्षारोपण की थी पौधे झाड़ लगाई थी तो उनको काट काट कर भू माफिया और अवैध अतिक्रम करके खेती करने वाले जो है तो खेती कर रहे हैं। बहुत पेड़ पौधे वहाँ के काटे गए, वहाँ आप जाकर देख सकते हो बाकायदा वहाँ पेड़ों के निशान भी है और ग्राम पंचायत नोंदवही जो वृक्ष नोंदवही होती है नमूना 33 इसके अंदर भी इसका रिकॉर्ड है कि चांदूर बिस्वा गायरान खेती में कितने झाड़ पौधे लगाए गए थे, मगर आज आप जाकर देखो तो वहाँ दिखाई नहीं देते हैं। तो मैंने जो 12वें महीने के अंदर 2022 में तकरार किया था तो शासन के जवाबदार अधिकारियों ने दुर्लभ किया, उस पर कार्रवाई नहीं की, मतलब इनके भी कुछ उसमें साजगांठ है, इन्होंने तकरार पर कार्रवाई क्यों नहीं की, तो इन्होंने भी कर्तव्य में कसूर किया है। और अभी कल जो है कुछ और पेड़ पौधे बड़े बड़े काटे गए, उनकी हत्या की गई, इस संबंध में जब मुझे जानकारी मिली लाइव लोकेशन फ़ोटो मिले तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दिया और अधिकारियों ने जो है वहाँ पर विजिट की, रात के 12 बजे पंचनामा किए, आज आकर फिर उन्होंने कार्रवाई की और जो भी इसमें दोषी है उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। और इन्होंने इससे पहले जो गारन खेती के अंदर पेड़ पौधे काटे हैं उनकी भी इंक्वायरी होगी क्योंकि ग्राम पंचायत वृक्ष नोंदवही नमूना 33 के अंदर इसका रिकॉर्ड है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और जो अधिकारी तकरार के ऊपर दुर्लभ कर रहे हैं, तकरार पर कार्रवाई नहीं कर रहे, कर्तव्य में कसूर कर रहे हैं, उनके ऊपर भी शिस्त भंग की कठोर कार्रवाई की मैं मांग करता हूं और आखिर तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। और एक मैसेज मैं ये देना चाहता हूं, जो ये कहते कुछ होता नहीं जो मंडली, तो कैसे है ये जो दूसरे बहुत बड़े बड़े राक्षस और भ्रष्टाचारी बैठे हुए इनसे लड़ने में ज़रा मुझे तकलीफ जा रही है और वक्त लगेगा मैं ये मानता हूं, क्योंकि ये बहुत एकदम मोटी चमड़ी की है ना, इनको जल्दी असर पड़ता नहीं, लेकिन मेरी लड़ाई जारी है, धीरे 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 इनको इनका जो आखिरी मकाम है जेल वहाँ तक मैं पहुँचा के रहूँगा। अब ये जो कल घटना घटी तुरंत एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो है तो कर्तव्य दक्ष जवाबदार अधिकारी ने महिला होते हुए भी रात के 12 बजे विजिट की, अपनी पूरी टीम को लेकर आए, बुढ़ाने की भी उसमें अधिकारी थे तो इन्होंने अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से पालन किया और ये आ गए। तो ये कैसे, ये जो अपराधी था ये छोटा अपराधी था, इसके लिए कार्रवाई जल्दी होगी। जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी और बड़े बड़े अपराधी बैठे हुए हैं जिनसे मैं साल दो साल से लड़ रहा हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भ्रष्टाचारी है लोक प्रतिनिधि है, तो इनको इनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए मुझे समय लगेगा मैं जानता हूँ। मैं एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूँ और ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। भ्रष्टाचारियों को उनका जो ठिकाना है वहाँ मैं पहुँचा के ज़रूर दम लूँगा। ये जंग जारी रहेगी अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के विरुद्ध। और ये जो लोग कहते कुछ होता नहीं तो फिर इनकी नींदें क्यों उड़ जाती है, कुछ होता नहीं है तो फिर चर्चा क्यों करते हैं, इनकी अंदर से कपकपाहट और घबराहट ही आप देख सकते हो, क्योंकि भ्रष्टाचारी इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार और 400 बीसी और खोटे कारनामे करके रखे हैं। इनकी एक एक चीज़ मेरे सामने आ रही है और मैं एक एक मुद्दे को लेकर अपनी जगह पर अटल हूँ, आखिर तक मैं लड़ाई लड़ूंगा, सिर्फ एक तकरार डाल के मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूँ, इनको इनके अंजाम तक पहुँचाए बगैर मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।